स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ डेवलपमेंट। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक सिंपल मेकअप कैसे करें जब आप टॉप या जीन्स पहनते हो या फिर आप कुछ। मैंने आज पैंट और ये टॉप वेयर किया हुआ है। इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक वेयर किया था। तो आज मैं उससे आज भी मेरा बहुत सिंपल लुक रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा मेकअप करूँगी। तो चलो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलो आइए देखते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मॉइस्चराइजर का सेटअप। मैं सेटअप में मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपना फाउंडेशन ये कभी चेंज नहीं करती। चेंज करती हूँ लेकिन बहुत टाइम बाद। अपना नेक मत भूलना। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। थिन वन आपको पता ही है, प्राइमर वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं। देखो भी मेकअप करना बिल्कुल एकदम, आप सोचोगे कि बहुत अच्छा मेकअप, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कर लेती हूँ मैं। मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग, मुझे पता है। मेरे जैसे लोग भी मेकअप करना नहीं आता है, बहुत कम मेकअप करना आता है। वो भी अच्छा लुक क्रिएट करना चाहते हैं और मेकअप करना चाहते हैं। तो आई होप कि उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो हमने अब मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है, प्राइमर यूज़ कर लिया। आप पा रही हैं फाउंडेशन पर। फाउंडेशन तो आपको पता ही है, हम फिटमी का यूज़ करते हैं। फाउंडेशन ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम। इसके लिए मैं लूँगी ये, इसको आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको अच्छे से पहले थोड़ा सा पानी में धो लीजिए, अच्छे से निचोड़ के। आप देख सकते हैं ऐसे पानी नहीं आ रहा, मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके बाद आप फाउंडेशन या तो इससे डैप करके सीधा अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने फेस से डैप डैप करके अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लेना है, बहुत कम, अगर आपको नेचुरल मेकअप करना है। मुझे मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छे से इसे अप्लाई कर दें। अब हमारा फाउंडेशन है, अब है कंसीलर के बारे में। अगेन फिटमी का कंसीलर। ये आपका हाईलाइट करने के लिए भी काम करता है। जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट चाहिए था वहाँ पे ये काम करता है। अब मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से डैप डैप करके कंसीलर को एकदम घिसना नहीं है, इसको सिर्फ डैप डैप करना है। अगर हम उसको ऐसे से घिसेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा, एकदम भद्दा। मेरा कंसीलर भी हो गया है। अब हम मैं मिस रूज का ये पाउडर यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पर मैं इसको
हमारा ये सब फेस का आ चुका है। अब हम थोड़ा सा अपनी आईज देख लेंगे। ये मेरा मैरून है तो पैंट मेरी वाइट है, तो हम थोड़ा सा आईज के ऊपर थोड़ा सा ये ब्राउन से अप्लाई करूँगी। पहले आप इसको अच्छे से क्रीज पे लगा लीजिए। मैं कोई दूसरा कलर नहीं लूँगी, ले लूँगी बस। अगर आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा अपने मेरे आईब्रो, मुझे ज़्यादा फिल आईब्रो पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आईब्रो फिल कर लिया जाती हूँ। अब हमारा आइस का मेकअप भी हो चुका है। अब मैं ये लगाऊंगी लाइनर। लाइनर मुझे पसंद नहीं है वैसे तो, फिर भी मस्कारा लोअर लैशेस पे भी जरूर लगाए। मेकअप ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर लिपस्टिक लगाऊँ, मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगाऊँगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। दो लिपस्टिक है ऐसे लिप, चलो मैं जीरो लगा। लिप्स मेरे हो चुके हैं, ये CAL का है। और हमारा मेकअप हो चुका है, मैं देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप गाइस कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।